हे गाइस, जैसे आपने स्टार्टिंग में देख लिया, हम एक फुटबॉल बना रहे, सॉकर बॉल, आपको उसको कुछ भी बोल सकते हो। सबसे पहले आपको एक आइकॉस पैड डाउनलोड मतलब ऐड करना है, और उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स आया था, उसको सब डिविजन को ओपन कर देना है और ऐड मॉडिफायर से जाके एक बैल मॉडिफायर ऐड करना है। यहाँ पे आपको अमाउंट दिख रहा होगा और यहाँ पे सबसे पहले वाटर इस पर क्लिक करना है, क्योंकि अमाउंट को थोड़ा ज़्यादा कर देना है, जिससे आपको थोड़ा फुटबॉल का शेप, सॉकर का शेप समझ में आना चाहिए। और यहाँ पे मटेरियल प्रॉपर्टी में आना है और यहाँ पे तीन प्लस पर क्लिक करना है, और पहले में कलर करना है, जैसे आप कोई भी फुटबॉल कलर करना है, जैसे मैं रेड कलर करने वाला हूँ, और एक होना चाहिए वाइट, मतलब आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो आपकी मर्जी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा इसके बाद ब्लैक। तो हमको फिर से यहाँ पर मॉडिफायर्स में आना है, आप मतलब कि रेंडर मोड में हम सब कुछ देख सकते कलर वगैरह, इसलिए हम रेंडर मोड में आ जाएंगे। और आपको एक और बेवल मॉडिफायर ऐड करना है, और यहाँ पर वर्टेक्स पे जाना है और थोड़ा सा अमाउंट कम कर देना है। यहाँ पर आपको शेडिंग में जाके मतलब मटेरियल इंडेक्स कलर चेंज कर सकते हो, और यहाँ पर शेडिंग में जाके जैसे मैंने जैसे कि यहाँ पे ब्लैक होगी 3 पे 2 पे है ब्लैक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने जैसे कि हमने वो बड़े मटेरियल प्रॉपर्टी में ऐड किया, उसके बाद हमें सब डिविजन मॉडिफायर ऐड करना है, उसके बाद सिंपल पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे लेवल व्यू पर हमको 2 पे कर देना है, उसके बाद एक कास्ट मॉडिफायर ऐड करना है, जिससे हमारे फुटबॉल को एक सर्कुलर शेप मिलेगी। यहाँ पे थोड़ा सा फैक्टर कम और ज़्यादा आप अपने सेटिस्फाइंग से कर सकते हो, एक सर्कल अब लगना चाहिए। सो मुझे ये बेस्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर शेप आ रहा है, फुटबॉल की शेप आ रही है, तो आपको राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर देना है, जिससे हमारी फुटबॉल एकदम मक्खन लगेगी। यहाँ पर आप चाहो तो सब डिविजन मॉडिफायर में थोड़ा व्यूपोर्ट भी रख सकते हो, अगर आपको हाई एंड पीसी हो तो, मेरा थोड़ा लो एंड है इसलिए मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ। और क्या सबको आपको सारे मॉडिफायर अप्लाई करने हैं, और देखो गाइस मैंने कोई गलती कर दी है इसमें, मेरा कुछ अलग हो गया, तो आपको करना क्या है कि सारे ऊपर से लेके नीचे तक के एक एक करके ऊपर से लेके नीचे तक के मॉडिफायर अप्लाई करने हैं। मैंने बीच में से किया इसलिए मेरा गलत हो गया, आप देख ही सकते हो, सारे ऊपर से नीचे लेके तक के अप्लाई कर देना है। उसके बाद गाइस हमारा फुटबॉल तो हो चुका है, अब हमें बैकग्राउंड बनाना है, मतलब कि उसका थोड़ा सा लुक ठीक करना है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा सेंटर से ऊपर लाएंगे और एक प्लेन ऐड करेंगे। सो प्लेन हमारा बहुत छोटा है, इसलिए हम फुटबॉल को भी छोटा कर देंगे, ताकि मतलब कि लैग वगैरह कुछ भी ना हो, क्योंकि जितना बड़ा होगा मटेरियल उतना ही लैग होगा, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, थोड़ा सा मतलब अच्छा लगना चाहिए, तो इसको सेंटर से थोड़ा सा ऊपर। चलो आपको प्लेन को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे पार्टिकल सेटिंग में आने से पहले आपको यहाँ पे मटेरियल प्रॉपर्टी में ग्रीन कलर सिलेक्ट करना है, थोड़ा सा डार्क या लाइट, वह पार्टिकल सेटिंग में आके हेयर्स पर क्लिक करना है, और यहाँ पर हेयर लेंथ कुछ अपने मर्जी से कर सकते हो, जितना बड़ा छोटा चाहिए, जैसे ज़्यादा बड़ा तो नहीं चाहिए, जैसे जैसे ज़्यादा कर दिया मैंने, थोड़ा सा कम कर देता हूँ। जैसे कि अभी मेरे को इतना ठीक लग रहा है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। उसके बाद आपको एडवांस पर क्लिक करना है, उसके बाद फिजिक्स रोटेशन को क्लिक कर दीजिए, और फिजिक्स और यहाँ पे ब्राउनियन नाम का एक वो होगा, उसको 2 या 3 बार आपको प्रेस करना है, ताकि मतलब कि आपके जो ग्रास है उसको थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा टेढ़े मेढ़े हो जाता है, क्योंकि ग्रास तो सीधी होती नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम 4000 पार्टिकल कर देंगे, मतलब कि 4000 ग्रास के पार्टिकल से रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लग रहा है हमारा ग्रास, लेकिन मतलब कि थोड़ा खुला खाली खाली लग रहा है, इसलिए आप ब्राउनियन को बढ़ा सकते हो, जिससे कि मतलब कि थोड़ा फैल जाए ग्रास और थोड़ा खुला खुला कम लगे, तो अब एकदम परफेक्ट लग रहा है। तो गाइस अब हमारी बारी लाइटनिंग की आती है, सबसे पहले इसलिए हम एक क्यूब ऐड करेंगे और उसको छोटा शेप में कर देंगे, हमें प्रेस SNY उसका SNX, जिससे हम थोड़ा मतलब कि इसको अच्छे से कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है मटेरियल प्रॉपर्टी में, यहाँ पे एमिशन पर क्लिक करना है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ा देनी, ताकि जिससे ग्लो हो जाए, यहाँ पे कैमरा आइकन पर क्लिक करके ब्लूम पे क्लिक कर देना है। सो बूम गाइस, यहाँ पे हमारा मतलब कि जो भी ये क्यूब है, ये लाइटनिंग का, ये ग्लो नहीं लग रहा, मतलब ऐसा लगना चाहिए ना लाइटनिंग हो रही है सही में, तो इसलिए हम इसको शिफ्ट डी कर करके हम आराम से मतलब कि डुप्लीकेट कर सकते हैं, इसलिए जितनी आपको लाइट चाहिए उतनी ले सकते हो,
मतलब इसे लाइट नहीं मिलती लेकिन देखने में अच्छा लगता है, लाइटनिंग के लिए तो लाइट थोड़ा सा अलग रहता है, इसलिए आप इसको शिफ्ट डी कर करके कितने भी लगा सकते हो। उसके बाद सारी सारी क्लिक करके एक और शिफ्ट डी दबाना है और जेड उस पर जेड पर क्लिक करके आर क्लिक करके 90 क्लिक करना ताकि आपका एकदम शेप में आ जाए, और दूसरी साइड भी ऐसी लगा देना है। तो अब थोड़ा मतलब कि लाइटनिंग कुछ ज़्यादा हो गई, इसलिए हम ब्लूम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंटेंसिटी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी से आप कर सकते हो। तो मेरे को इतनी काफ़ी लग रही है। और गाइस सबसे मेन बात मतलब कि बैकग्राउंड बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो कलर कैसा अच्छा होगा, तो इसलिए हम बैकग्राउंड को ब्लैक कर देंगे तो जिससे अच्छा लगेगा। यहाँ पे हम सन ऐड करेंगे एक लाइट में जाके और की स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ा देंगे। उसके बाद एक स्पॉटलाइट ऐड करेंगे जिससे मतलब कि हमारे फिर से फुटबॉल पे एक लाइट आए जो कि बहुत तगड़ी लगेगी, तो इसके लिए हमें थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। उसके बाद आना है हमें इसकी लाइट वाले प्रॉपर्टी में, उसके बाद यहाँ पर पावर बढ़ा देनी है। तो आप देख सकते हो जैसे कि हम जितनी पावर बढ़ाएंगे उतनी लाइट बढ़ती जाएगी, तो अभी कुछ ज़्यादा हो गई थोड़ी सी कम कर देता हूँ ना। थोड़ी सी कम कर देते क्योंकि ज़्यादा हो गई है अभी तो, और अभी एकदम परफेक्ट लग रही है। तो गाइस हमारा मतलब कि तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे आपको व्यू में आना है, यहाँ पे लॉक करना है कैमरे को, जो सेकंड वाला है उसको ऑप्शन क्लिक करना है, जिससे कि हमारा जो कैमरा है वो बिल्कुल लॉक हो जाएगा, जहाँ पे हम जाएंगे कैमरा व्यू में आ जाएगा। तो उसके बाद आप रेंडर कर सकते हो फोटो वगैरह जो भी है, वहाँ पे रेंडर पर क्लिक करना है बस, और उसको सेव कर देना है रेंडर इमेज। तो गाइज आज की इस वाली छोटी सी वीडियो में इतना ही, छोटी तो नहीं बड़ी सी होगी थोड़ी सी, लेकिन गाइज अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में जाकर जरूर बताना, आपको कौन सी मतलब ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। तो गाइज यहाँ पे अब गाइज देखो यहाँ पे मज़े भी ले सकते हैं थोड़े से, मतलब कि कलर हम देखो माउस को हिलाते रहेंगे तो देखो गाइज कैसे कलर चेंज कर रहा है जो कि बहुत तगड़ा लग रहा है। मतलब इसी से मैंने एक एनिमेशन छोटी सी बनाई थी जो स्टार्टिंग में देख ली। तो गाइस आप कमेंट में जरूर बताएं कि मुझे क्या क्या करना चाहिए अभी, क्या नहीं करना चाहिए, या मुझे कोई टिप्स बतानी हो या आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में जरूर बताना। तो आज के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।